तो आप एक क्लास 12th पास स्टूडेंट हैं और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे जॉब करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन है, पूरा इसका प्रोसीजर बताने वाला हूँ। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार कर दो, क्योंकि मैं डेली सवेरे 11 बजे इस टाइप की जॉब अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, डेली आपको मिलेगा। 12th पास वालों के लिए जॉब है इसमें, ग्रेजुएशन, रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ, सब के लिए आपको इसमें जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की जो जॉब मैं लेकर आया हूँ वो डिट्टो कंपनी की तरफ से होने वाली है। और इस पर पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ यार, इसकी जो सैलरी पैकेज है ना वो पर मंथ अराउंड 43,000 रुपीज़ के करीब होने वाली है। ठीक है, आप अगर क्लास 12th पास हो आराम से अप्लाई करो। तो कोई सेल्स टारगेट वाली जॉब नहीं है, कंपनी खुद अपने उसमें लिखी हुई है, कोई टारगेट हम आपको नहीं देंगे, कोई सेल्स वाला काम हम आपसे नहीं कराने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ कंपनी देने वाली है। 60% आपको कॉलिंग का काम करना है, 40% आपको ईमेल या चैटिंग के थ्रू आपको काम करना रहेगा। ठीक है, कंपनी में आपको जब आप ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग एनिंग सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करके देने वाली। ठीक है, तो कंपनी के बारे में बता देता हूँ। डिट्टो, अब डिट्टो क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्रोवाइड करती है उन क्लाइंट्स को जिनको उनकी ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको कॉल करके उनको बताना है या लीड जनरेट करना, नहीं, वो लोग खुद इंटरेस्टेड होंगे तो वही लोग आपको नंबर दिए रहेंगे, तो उनको आपको कॉल करके सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे। तो ये आपका काम इस कंपनी में होने वाला है, एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र आपका काम होने वाला है। तो कंपनी के बारे में जैसे मैं देख रहा हूँ, उसको 5 स्टार गूगल में मिला हुआ और लिंक्डइन भी कह रहा है टॉप स्टार्टअप कंपनी इंश्योरेंस मेड इजी, इसमें लिखा हुआ पूरी डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं, वी हेल्प यू टू चूज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर यूर नीड। जो बेस्ट पॉलिसी होती है ना यार, उसको चूज़ करने में हेल्प करती है। और सिर्फ यही नहीं, क्या बताया है, वी हेल्प टू बाय द पॉलिसी एंड वी हेल्प यू विथ क्लेम इफ़ यू एवर हैव टू यूज़ द पॉलिसी। आपको पता ही होगा यार कि पॉलिसी लेना आसान होता है लेकिन उसको क्लेम करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये ऐसी कंपनी है जो पॉलिसी पे क्लेम करने के लिए भी आपकी हेल्प काफ़ी करती है। तो ये सब चीज़ें होने वाली इस कंपनी के बारे में, आप पूरी डिटेल पढ़ लेना, ऐसा राउंड में ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक, नो सेल्स पीपल, ये सब चीज़ें हैं। मैं सीधे काम की चीज़ पे आ जाता हूँ यार। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे करियर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जब करियर आप खुलेगा, करियर का पेज, तो जो जॉब्स हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, उसमें फिर आपको जो सी जॉब है उसमें सेलेक्ट करना है। देखो जैसे वी आर हायरिंग, अब इसने लिखा हुआ है हम लोग हायर कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स ओनली पर आप ऑन कर लेना। जब आप रिमोट जॉब्स, रिमोट मीन्स आप घर पर बह कर के आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इंश्योरेंस एडवाइज़र की जॉब है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। उन्होंने एक यूट्यूब का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहो ना तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसको वीडियो को भी आप देख सकते हो, पूरी आइडिया लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो भाई वेलकम टू डिट्टो लिखा हुआ है इसमें, थोड़ी सी उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी हुई है, लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म बिल्ड फॉर मिलेनियल्स टू हेल्प सिक्योर पीपल फाइनेंस एंड मेक इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ। वी आर नॉट जस्ट अनदर इंश्योरेंस कंपनी, वी आर ट्रेबलाइज ऑन अ मिशन ऑफ एम्पावरिंग पीपल। तो ये बताया गया है कि भाई ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को एम्पावर कर सके, उनके फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक, थोड़ा सा आप कंपनी के बारे में पढ़ लें। यहाँ पे जो थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये मिशन बता दिया है, फंडेड बाय, आप इसको कौन कौन, आपने जीरोधा का नाम सुना हुआ है, तो लिखा हुआ है फंडेड बाय जीरोधा, जीरोधा ने इसको फंड किया हुआ है। उसके अलावा ये बताया हुआ है फिनशॉट एंड 50,000 सब्सक्राइबर एंड 1 मिलियन फॉलोअर्स इन सोशल मीडिया, वेरियस अदर प्लेटफॉर्म पे इसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। लिंक्डइन ने भी जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छी इसको स्टार्टअप दे रखी है, टॉप रैंक्ड इंश्योरेंस कंपनी में आता है, 4.9 इसकी रेटिंग है गूगल पे। तो ये सब चीज़ आप खुद भी चाहो ना चेक कर लेना। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा नीचे अगर इसके आ जाते हैं, तो अब इन्होंने देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, नो सेल्स नो टारगेट वाला, जैसे क्लियर कट लिख रखा है कि आपको जो काम है इंश्योरेंस एडवाइजर सुन के अब ये मत समझ लेंगे कि इंश्योरेंस बेचना है, नहीं, क्लियर कट से लिखा हुआ नो सेल्स नो टारगेट। वी नेवर बिलीव टू हैव टारगेट्स, उन्होंने क्लियर बोला कि यार टारगेट नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे भाई काम कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। ठीक है, नो प्रेयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आप फ्रेशर हो चलेगा, 12th वाले हो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। नो स्पैम, नो मिस सेलिंग, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को झूठ बोल के कुछ बात बतानी है या फिर झूठ बोल के हाँ भाई ऐसा करना है वैसा करना है, ये कंपनी ये दे रही, कुछ नहीं, जो ईमानदारी से चीज़ है वो आपको काम करके इन लोगों को देना रहेगा। क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ, टीम फैल्कन आपको ज्वाइन करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 60% आपका टाइम जो रहेगा कम्युनिकेट विद डायरेक्ट कॉल, 60% आपको डायरेक्ट कॉल रहेगी और उसके बाद जो 40% रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पे या फिर उसके वेरियस अदर प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करने रहेगी। ठीक है, जो आपका ऑफिस टाइम रहेगा 10 AM टू 8 PM, ये आपका टाइमिंग रहेगा। 2 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके चाहते हैं एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास रहे। ऑब्वियसली यार वर्क फ्रॉम होम मैंने आज तक जितनी जॉब बनाई उन्हें सब में एक्सेलेंट
कम्युनिकेशन स्किल मांगते हैं, कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, भाई आप काम कर से कर रहे हो तो चाहेंगे कि एक्सीलेंट रहे आपके पास, अच्छा आपको जो काम दिया जाए वो आप कर सको, लैंग्वेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज की भी हेल्प होती है, तो आपके पास अगर इंग्लिश हिंदी दोनों की नॉलेज है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल स्किल, बात करने का अच्छा तरीका हो, ये नहीं कि आप अबे तबे करके बात करने लगे, तो ये सब ट्रेनिंग आपको मिलेगी। अब हम आ जाते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट पे फटाफट। वर्क फ्रॉम होम में काम करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, अपना घर से आराम से काम करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इसमें आपको आगे बढ़ने का काफ़ी चांस मिलेगा। कम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है। अब सैलरी की बात कर लें भाई, इसमें CTC आपकी 4,54,600 रुपीज़ के करीब बनती है, जिसमें आपकी मीडियम सैलरी अराउंड 43,000 रुपीज़ एक महीने के आपके आसपास कम से कम बन जाती है। आप ये देख लो यार, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई छुट्टी उट्टी होगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ऑफ साइट इवेंट जो भी रहेगा, कभी घूमने वूमने का सीन होता है आप देख सकते हो फोटो, तो उसमें आपको कंपनी बोल सकती है या फिर आपको वहाँ पे जाके आप चाहो तो इन्जॉय कर सकते हो। प्रोसेस आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, दो सिलेक्शन प्रोसीजर्स के होने वाले हैं, ठीक है। HR इंट्रोडक्टरी कॉल एक होगा, पहले वार्म वेलकम कॉल, पहले आपको एक वेलकम कॉल करेगा, वो इंटरव्यू नहीं है, वो आपका बता देगा कि भाई किस दिन आपका टास्क वन है, तो टास्क वन शोकेस ऑफ योर स्किल, आपकी जो स्किल है वो आपका टेस्ट करेंगे, उसके बाद और थोड़ा सा और उसमें रेगुलर और राउंड हो जाएगा, तब फिर उसके बाद फाइनल मैनेजमेंट टेस्ट आपका जो हो जाता है, लास्ट स्टेप टूवर्ड ज्वाइनिंग द टीम, जो फाइनल राउंड होगा वो एक तरीके का वेलकम होगा कि कंपनी का आप ज्वाइन नहीं करें, तो मेन एक तरीके के दो ही आपके टेस्ट उसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना, फॉर्म खुल के आ जाएगा, रिज्यूम लगा देना है, नेम मिडिल नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देना आपको, ठीक है। अब ये बोला गया नोटिस पीरियड आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो, तो भाई मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कैन ज्वाइन राइट अवे पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। करंट CTC अगर आपके पास कोई सैलरी है तो आप इसमें चूज कर सकते हो, नहीं है तो फिर अन्य फ्रेशर पे आप क्लिक कर सकते हो। प्लीज़ मेंशन फ्रॉम हेयर डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे आपने इसके बारे में सुना, तो भाई आप चाहो तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब लिख करके यहाँ पे चाहो तो मेरे चैनल का भी जाओ तो नाम लिख सकते हो, तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप देख लेना जो भी, ठीक है। आर यू एन एम्प्लॉई रेफरल, क्या किसी एम्प्लॉई ने आपको बोला है फॉर्म भरने के लिए, अगर यस है तो यस, नो है तो फिर नो पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं यहाँ पे, जैसे पूछे गए व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग व्हाइल स्पीकिंग, पूछा गया कि भाई बोलने के समय सुनना क्यों ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें कुछ इस टाइप के। कुछ और क्वेश्चन पूछे गए, डिट्टो डजंट बिलीव इन स्पैम कॉलिंग बट रैदर स्पीक ओनली टू कस्टमर हु बुक कॉल विद अस, सब ये कह रहा है कि भाई हम उन्हीं लोग से सिर्फ बात करते हैं जो लोग हम लोगों के पास बुक किए रहते हैं कि भाई हम लोग उनको कॉल करें, तो भाई अगर ये सही है तो क्यों सही है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया, इन नॉट मोर देन 4 सेंटेंस राइट अबाउट एन एक्टिविटी दैट यू पार्टिसिपेटेड दैट वॉज टॉट बाय सम वैल्यूएबल लाइफ लेसन, कोई ऐसी लाइफ का कोई लेसन जो इस चीज़ ने आपको सिखाया उसके बारे में कुछ यहाँ पे चार लाइन में लिखना है। तो ये सब कुछ आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपको टर्म्स कंडीशन यहाँ एक्सेप्ट करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके सबमिट करने के तुरंत बाद आपके पास ऑन द स्पॉट मेल आ जाने वाला है यार, ठीक है। इसमें ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं हमने अप्लाई किया था मेल नहीं, या नहीं, इसमें ऑन द स्पॉट मेल आता है, ठीक है। आई बिलीव कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की भाई समझ में आई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो बिंदास कमेंट करो, मैं सारी कमेंट देखता हूँ, सबका रिप्लाई करो, डिले हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। पूरे प्रोसेस में कहीं भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए कोई भी फ्रॉड से और इन सब चीज़ों से आप जरूर बचिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।